बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। 23 नवंबर को होने वाली देव उठनी एकादशी हेतु संजय मार्केट में लगी जनमानस की भीड़। वन विभाग के द्वारा कांगेर वैली नेशनल पार्क में हुआ लाखों का भ्रष्टाचार। प्रशासन की पहल से मोतियाबिंद मुक्त बस्तर के लिए पुनः सर्वे प्रारंभ। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने भगवान ओमकारेश्वर के किए दर्शन। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक परंपराओं में साल के सभी महीने में दो एकादशी मनाई जाती है, लेकिन इनमें से देव उत्थान एकादशी को काफी खास माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी या देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि आखिर देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषाचार्य प्रदीप आचार्य बताते हैं कि देव उठनी एकादशी को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निंद्रा से बाहर आते हैं और सभी वैवाहिक एवं शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी की त्योहार हेतु संजय मार्केट में जनमानस की भीड़ लगी हुई थी। आइए सुनते हैं पूजन सामग्री खरीदने वालों एवं सामान विक्रेताओं ने चैनल से क्या कहा। एकादशी की खरीदारी कांदा है, गन्ना है और बाकी चीजें हैं। पिछले साल से सस्ता है, महंगा इस बार बराबर ही है भैया, वैसा ही है, मिला जुला है। जी जी जी। गन्ना खरीदने आया था कल, एकादशी त्यौहार है इसकी वजह से। कैसे है रेट इस बार? रेट तो पिछले साल से बढ़ा हुआ है इस बार। जी जी। कितना खुशी हो रहा है कल एकादशी है? खुशी है, लगा है, लगे हुए हैं। कैसे कैसे बेच रहे हैं? जोड़ा जोड़ी है, सौ बेच रहे हैं। जी जी। कितने वो कब से आए हैं यहाँ पे आप लोग? आज से तो रात से आए। बिक्री कैसा हो रहा है? आज तो थोड़ा कम हो रहा है, कल थोड़ा ज़्यादा हो गया। पिछले साल और इस साल में कितना फर्क है रेट में? रेट में थोड़ा ज़्यादा है। उत्पादन कम हुआ है क्या? बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा शासन के लाखों रुपए का गबन किया गया। 50 से अधिक ग्रामीणों के खातों में बिना काम के पैसा डाला गया और उसके पश्चात एक दिन का महताना देने के बाद पूरे राशियों को वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आपस ले लिया गया। इस मामले की जानकारी होने पर वन विभाग के अधिकारी DFO ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। आइए सुनते हैं जिनके खातों पर पैसे गए और आए उनके परिजनों ने क्या कहा और वन विभाग के आला अधिकारियों ने मीडिया से क्या बात कही। मेरी मम्मी खुद गई थी उसके, हाँ उसको, उसके हाथों में कम से कम 6,500 कुछ किए थे। उसको पेमेंट करने के बाद तुरंत शाम को फिर वो उसको यहाँ के चौकीदारी लोग फिर वापस लेने आए थे। फिर उसको एक दिन का रोज दे दिए, फिर पूरा पैसा लेके चल दिए। मैं पूछा उनको तो पैसा ऐसा क्यों कर रहे, मतलब ऐसा क्यों किए, कभी काम की थी क्या? बोला नहीं किया रहा। तो सभी कैसे किए, सभी जितने भी गए थे उनको सब कैसे बोल बोल के ना एक दो दिन का रोजी देंगे करके पैसा, मतलब वो जो डिप्टी रेंजर से पैसा मतलब दिलवाए जो बिट गार्ड लोग, उनके बाद में उनसे फिर वसूल किए। उसके बाद फिर अभी बोल रहे हैं कि मतलब ग्रामीण लोगों का कहना है कि डाल रहे हैं, फिर डालने के बाद तुरंत जो खाताधारक को लेके जा रहे हैं फिर उनसे पैसा निकाल के फिर उन्हें खुद ले रहे हैं। अब ये आपके माध्यम से मुझे इसके बारे में पता चला है तो निश्चित रूप से मैं इस शिकायत जो प्राप्त हुई उसके ऊपर मैं संज्ञान लेते हुए जांच जो है करवाऊंगा, तभी जाके अगर तथ्य हमारे सामने आते हैं तो इसमें निश्चित जो है कार्रवाई होगी। हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, यह शासन प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसी के तहत बस्तर जिले में नेत्र से संबंधित बीमारी मोतियाबिंद से जिले को निजात दिलाने के लिए 23 नवंबर से पुनः सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है।
कलेक्टर विजय दयाराम के ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बस्तर जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने हेतु विशेष प्रयास करने के साथ साथ नेत्र चिकित्सा के लिए विशेष अस्पताल अंबक की सुविधाएं मरीजों को जरूरत के अनुसार मिलने हेतु निर्देशित किया है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन किए और करीब 10 मिनट तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में रहे। तत्पश्चात बघेल ने राजवाड़ा पहुंचकर माता अहिल्या के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मौजूद रहे प्रदेश सचिव दिनेश यदु, बस्तर कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष बालेश दुबे, वरिष्ठ कांग्रेसी अरुण भद्रा एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित महिला अंडर 23 T20 ट्रॉफी हेतु बस्तर की महक नायक का चयन छत्तीसगढ़ की टीम में हो गया है। महक ने अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। महक दाएं हाथ की बल्लेबाज होने के साथ मध्यम गति की तेज गेंदबाज है। महक रायपुर में टीम के साथ जुड़ गई है, जहां टीम का कैंप लगाया है। प्रतियोगिता 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। छत्तीसगढ़ का मैच दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ होगा। यह प्रतियोगिता मुंबई में खेला जाएगा। महक के चयन होने पर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी, सदस्य, खिलाड़ियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। हमारे बस्तर में बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यही कारण है कि वे अपना स्थान राज्य की टीम में बना रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बहुत से खिलाड़ी छत्तीसगढ़ टीम में खेलते दिखेंगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं बस्तर को कि यहाँ के पहचान यदि की जाए तो सिर्फ यहाँ का पहचान नक्सलवाद और इससे प्रभावित क्षेत्रों से होता है, बट यहाँ से यदि कोई प्रतिभा निकल के सामने आ रही है तो हम ये चाहते हैं कि उस प्रतिभा को उस मुकाम तक पहुँचाए हम। और हम ये चाहते हैं कि एक लड़की नहीं, एक लड़का नहीं, या कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी के लिए वो नहीं है, बट ये बात है कि सभी को खेल के लिए सपोर्ट करें, सभी खेल के लिए सपोर्ट करें, है ना। तो आज यहाँ से बच्ची ले कुछ नाम बस्तर का ऊंचा करती है, तो हम सबको उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। महक का जो है T20 अंडर 23 में जो सिलेक्शन हुआ, वो कितने महीने, कितने मतलब घंटे प्रैक्टिस करती है, कितने मेहनत करती है, कब से कर रही है? वो विगत 12 साल से प्रैक्टिस तो कंटिन्यू कर रही है और अंडर 14 से उसका चालू हुआ था। स्टेट प्लेयर थी वो, फिर 16, फिर 19, फिर अभी अंडर 23 में है। अभी उसका मुंबई में 10 तारीख से दिसंबर के मैच है और भी स्टेट के साथ, वो मैच कंटिन्यू करेगी। वो मैदान में कितने घंटा प्रैक्टिस करती है? वो लगभग 4 से 5 घंटा मॉर्निंग में, कॉलेज भी यहाँ रेगुलर कॉलेज में भी है, जैसी फाइनल ईयर में है, तो पढ़ाई के साथ वो क्रिकेट को भी 4-5 घंटा देती है सुबह और शाम अपने समय के अनुसार। और क्या एम है, कहाँ तक खेलना चाहती है? वो चाहती है कि देश के लिए खेलना चाहती है। उसका मेन उद्देश्य तो यही है कि भारत के लिए वो खेले। अब जहाँ तक उसका प्रतिभा और वो लेके जाएगी, आप लोगों का सपोर्ट भी जरूरी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत शासकीय आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा में स्थित मतगणना केंद्र में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों बस्तर, जगदलपुर तथा चित्रकोट के मतगणना हेतु तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सभी आवश्यक व्यवस्था निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, CEO जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग AK CS सहित तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। जगदलपुर शहर के हृदय स्थल में स्थित हाता ग्राउंड और सिटी ग्राउंड शहर की विरासत है। इसे भावी पीढ़ी के लिए सजाकर और संवार कर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह बात कलेक्टर विजय दयाराम के ने कलेक्टोरेट के आस्था कक्ष में बस्तर स्टेडियम एवं खेल मैदान संचालन व संवर्धन समिति के हाता ग्राउंड एवं सिटी ग्राउंड उप समिति की बैठक में कही। बैठक में हाता ग्राउंड एवं सिटी ग्राउंड के बेहतर रखरखाव सहित उपयोग के लिए विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने दोनों खेल मैदान में आवश्यक रखरखाव के लिए नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में आवश्यक पहल किए जाने को कहा।
बैठक में नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, जिला खेल अधिकारी राजेंद्र डेकाटे तथा दोनों खेल मैदान से संबंधित उप समितियों के सदस्य मौजूद थे। 18 नवंबर 2023 को ओडिशा से सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG18L9348 में अवैध अंग्रेजी शराब को छिपाकर छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया जा रहा था, जिसे तत्काल थाना प्रभारी नगरनार खोमराज ठाकुर के द्वारा नगरनार पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ में रेलवे फाटक चोकाआड़ा पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रुकवाने का प्रयास किया गया, जिस दौरान गाड़ी सड़क से उतर गई एवं सड़क किनारे झाड़ी में फंस गई। वाहन में सवार आरोपी जंगल का सहारा लेकर भागने में सफल हो गए। मौके से बरामद कार की तलाशी लेने पर कुल 211.8 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब कुल कीमत 40,632 रुपए बरामद हुए, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों का पता तलाश के दौरान 22 नवंबर 2023 को तस्करी करने वाले दो आरोपी विवेक सरकार निवासी जिला नवरंगपुर उड़ीसा, सुब्रत मंडल निवासी दंतेवाड़ा को पकड़ने में सफलता हासिल हुई, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया। सरगुजा क्षेत्र के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम सोहगा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां भू माफियाओं के द्वारा गांव के स्कूल परिसर से लगी शासकीय भूमि की बिक्री ही कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दी गई। जब क्रेता के द्वारा भूमि पर बाउंड्री वॉल कराया जाने लगा, तब ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस व्यक्ति के द्वारा भूमि की बिक्री की गई है, वह कभी उस भूमि पर काबिज नहीं था, ना ही कभी उसका कब्जा रहा है। गलत तरीके से उक्त भूमि की बिक्री की गई है। ग्रामीणों के द्वारा जब राजस्व अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया तो वे मौके पर नहीं पहुंचे, जिस कारण ग्रामीण पैदल मार्च कर राजस्व अधिकारियों तक पहुंचे और निर्माण रुकवाकर कार्रवाई की मांग की। आज वहाँ सरकारी जमीन में कोई आदमी जमीन खरीद लीजिए तो वो जमीन ला गांव वाला रखना चाहते हैं। अच्छा। स्कूल के साइड में है, कभी स्कूल के भवन बनवाए में कब मौका ही तो वहीं स्कूल भवन बनवा ही चक्कर से हम रोक लगाए हैं। अच्छा, अच्छा। वो सरकारी जमीन है, ओला कोई बिक्री नामा करके धोखा से बिक्री कर दी से तो ओला वो जमीन बिक्री नहीं होना चाहिए, उसको रोक लगाया जाए। अच्छा, तो आज पैदल भी आत रहा है ऐसे मतलब भीड़ में इतना है? पटवारी साहब लोग बुलाए तो कहें कि थोड़ा टाइम में जाओ। अच्छा। तो हम कहें आप क्यों आएंगे, लेकिन हम लोग खुद आपके पास जाते हैं। तो तुम्हें कहाँ चाहता था? हमन वो जमीन है सरकारी रहे सुरक्षित रहे, और पहले हमन में फुटबॉल खेला चाहें हैं और वॉलीबॉल फुटबॉल खेला चाहें, वो जमीन आज चुपचाप कैसे उधर सेटलमेंट की जमीन होगी से वो बिक्री नामे में होगी। ठीक, तो वो जमीन जैसा का तैसा रहना चाहिए, उसमें कोई केकरो कब्जा नहीं होना चाहिए। ठीक। स्कूल की जमीन को लेकर के गांव वालों को आपत्ति है कि आज तक जो जिस व्यक्ति ने बेचा है वो कभी उस जमीन पे काबिज नहीं रहा, कभी उसने उस जमीन को जोता नहीं है, और हमारे राजस्व विभाग के लोगों ने 2-2.5 साल पहले ही विक्रय हेतु अनुमति पेपर तैयार करके दे दिया था, और जब आज वो बाउंड्री करना शुरू किया क्रेता तो गांव वालों को पता चला कि जमीन बिक चुकी है, जबकि सेटलमेंट से आज तक उस जमीन पे विक्रेता ने कभी कोई अपना कब्जा नहीं किया है। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो 30-40 साल पहले, जो उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो 40 साल पहले उस जमीन पे खेले हैं। तो पूरे गांव के लोग इससे उद्वेलित और आक्रोश में हैं। हम लोग राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास आचार संहिता का पालन करते हमने बुलाया उनको, पर वो आए नहीं, तो हमें लगा कि आचार संहिता या कोई और कारण होगा। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए, तो हम लोग सब लोग आए यहाँ पर, उन विषयों पर चर्चा की, और हम लोगों को नामांतरण को लेकर के बहुत चिंता है कि अगर वो सेटलमेंट प्रॉपर्टी है भी तो आज जिनके जिन्होंने विक्रय किया सिंगल एक व्यक्ति एक महिला ने, उनके 3 वारिसान और हैं, और चूंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो पैतृक है, तो पैतृक प्रॉपर्टी तो सभी के नाम पर आएगी, स्वार्जित तो प्रॉपर्टी है नहीं। तो इन विषयों को जब तक जाँच ना हो जाए तब तक माननीय तहसील न्यायालय ने हमको स्टे भी दे दिया है, तो ये जाँच होगी और जाँच के बाद जो सही पाया जाएगा वो हम लोग उस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये पीएम श्री के लिए स्कूल चयनित हो गया उस जमीन को देखते हुए, और आज वो जमीन का रकबा घट जाएगा तो हम लोग काफी चिंतित हैं उसको लेकर के। सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को झटके पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के तीखे तेवर उनके बयानों में साफ नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने इस पर बयान देते हुए कहा कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो यह कहती थी कि झीरम का सच उनके जेब में है, किसे बचाने के लिए जेब में छिपा रखे थे, अब उनकी जांच होगी।
किसने किसके साथ मिलकर राजनीति षड्यंत्र किया अब वो स्पष्ट होगा। भाजपा ने निष्पक्ष जांच की कोशिश हर प्रकार से की, आयोग बनाकर जांच किया। भूपेश बघेल कहते रहे ना वो आयोग में प्रस्तुत होगा ना कोई जांच होगी, वो सच बाहर आएगा ऐसी उम्मीद करते हैं। चिदम कांड में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, भाजपा उसका स्वागत करती है और भाजपा चाहती है कि जो कांग्रेस के नेतागण हमारे भाइयों की शहादत हुई है झीरम में, उनके परिवार को न्याय मिले। और अब कांग्रेस के बड़े नेता, जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विपक्ष में थी तो कहते थे झीरम का सच और सबूत हमारे जेब में है, आज तक वो सच और सबूत उन्होंने किसी जांच एजेंसी को न ही न्यायालय को दिया। शायद उन्हें अब वो याद हो कि जेब में उनके सबूत है झीरम का, तो अब वो जमा करें ताकि कांग्रेसी नेताओं को और उनके परिवार को उसका न्याय मिल सके। भाजपा पुनः ये मांग करती है दोषियों पर सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।